हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बर्नाली और आज हम लोग बनाएंगे सागू का खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने हाफ कप सागू को 1 घंटा पहले भिगो के रखे हैं पानी में, और 5 मिनट पहले मैंने दाल को धो के रखे हैं। ये मूंग का दाल है, ये भी हाफ कप है। और थोड़ा सब्जी आपका मनपसंद ले सकते हैं। मैंने लिया है गाजर और फ्रेंच बीन और ड्रमस्टिक। तो ये सब सब्जी और थोड़ा टमाटर चाहिए, अदरक का पेस्ट थोड़ा चाहिए, आप चिली पाउडर आपके पसंद के अनुसार चाहिए, और चाहिए तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा और हल्दी, और बनाने के लिए ऑयल और घी। अगर आप घी में बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आज तेल में बनाऊंगी, खाने के टाइम ऊपर से थोड़ा घी डाल दूंगी। अभी देखिए, ये जो प्रेशर कुकर है, मैं आज प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। प्रेशर कुकर में मैं 1 स्पून जैसे ऑयल दिया, इसमें तड़के के लिए 1/2 स्पून आप जीरा डालिए। तेल थोड़ा गर्म है, इसमें आप 1/2 स्पून जीरा डालिए। मैं थोड़ा कम ऑयल खाती हूँ तो इसलिए मैंने बहुत ही कम ऑयल दिया। आप आपके पसंद के अनुसार, आपका जैसे आपका मन पसंद है उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। इसी टाइम आप थोड़ा चिली, होल चिली भी डाल सकते हैं, रेड जो सूखा मिर्च होता है वो डाल सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी। ये हल्दी डालने के बाद मुझे क्या करना है, मैं डालूंगी इसमें टमाटर। टमाटर डाल के इसको थोड़ा भुनेंगे। अभी इसमें देंगे थोड़ा सा चिली पाउडर। चिली पाउडर आपको जितना पसंद है उस हिसाब से, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से दीजिए। मैंने 1/4 स्पून दिया। ये 1 लोगों का खाना बन रहा है। आप अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाएंगे तो ज़्यादा करिए। इसमें मैं डालूंगी आपके स्वाद अनुसार सॉल्ट। मैं 1/4 स्पून डाल रही हूँ, अगर चाहिए तो मैं बाद में याद करूंगी। फिर इसमें मैं जो सब्जी है उसको मैं डाल दूंगी। डाल के इसको अच्छे से एक मिक्स दूंगी। फिर इसमें मैं डालूंगी जो दाल मैंने धो के रखे थे, मूंग का दाल है ये, वो मूंग का दाल इसमें ऐड करूंगी। मूंग का दाल ऐड करके इसको थोड़ा भूनूंगी। ये आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। इसमें बहुत जल्दी बन जाता है इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। और इसमें अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर पेस्ट। मेरा जिंजर एक्चुअली डीप फ्रिज में था, वो अभी भी पूरा नॉर्मल नहीं हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके इसमें मिक्स किया। फिर इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा जब तक ना जिंजर का कच्चापन निकल जाए। आप इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए 3-4 मिनट छोड़िए हाई स्पीड फ्लेम में। अभी देखिए 2-3 मिनट हो गया है, ये नीचे से चिपक रहा है और ये जो अदरक का कच्चा स्मेल है वो भी गया है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी जो भिगो के रखे थे साबूदाना, उसको 1/2 कप साबूदाना जो भिगो के रखे थे उसको ऐड करेंगे। ये साबूदाना देखिए, ये भीगने के बाद, पहले तो हार्ड होता है, फिर भीगने के बाद ये साबूदाना ऐसे आप दबाएंगे तो ऐसे नरम हो गया। ये देख के आपको यूज करना है, नीचे से अंदर से थोड़ा सा ऐसे साबूदाना आपका बचा है वो प्रेशर कुकर में कुक हो जाएगा। फिर इसमें आप जितना पानी पसंद करते हैं, गाढ़ा या कैसे खिचड़ी आपको पसंद है, मैं थोड़ा गाढ़ा खिचड़ी पसंद करती हूँ। तो मैं इसमें 1/2 कप साबूदाना था उसमें 2 कप पानी
मैं भिगोए थे, पानी डाल के भिगोए थे इसमें, और मैं पानी नहीं ऐड करूंगी, थोड़ा सा डालती हूँ, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, ऐसे 1 फुट का जैसे मैंने ऐड किया। फिर इसको मैं प्रेशर कुक करूंगी 1 व्हिसल। ये प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है, इसमें मैं 1 व्हिसल लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। एक सीटी मैंने इसमें लगाई थी, फिर इसको गैस कम करके और 3-4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दी थी। मेरा खिचड़ी देखिए एकदम नरम हो गया है, दाल ये रेडी है। अभी ऊपर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस खिचड़ी रेडी, आप इसको प्लेट में डालिए और अच्छे से परोसिए।